तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी ऑफ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी। सर सबसे पहले हैप्पी दिवाली, आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे दिवाली के इस शुभ अवसर पर? सर प्रथम मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दीपावली के इस पावन पर्व पर। और इस पर्व पर आज हमारे बच्चों ने यहाँ पर बहुत ही असाधारण प्रतिभा के अच्छे अच्छे कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। उस कार्यक्रमों में बच्चों ने इस भारतीय संस्कृति को अच्छी तरीके से दर्शाया, नाटकीय माध्यम से, अपने अलग अलग प्रतिभाओं के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले नई जनरेशन्स के अंदर भी भारतीय संस्कृति किस तरीके से सुचारू रूप से अपने विस्तार को कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को, सभी छात्रों को और सभी यहाँ पर विद्यार्थियों को हम दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। साथ में इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम स्वच्छता भारत स्वच्छता अभियान के बारे में दोबारा इस कैंपस के माध्यम से यह दर्शाना चाहेंगे कि आप भी स्वच्छता में अपना पूरा पूरा सहयोग दें। जी सर, सर जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं और वहाँ पे बहुत हर एक कोर्स में बच्चे आगे आ रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है उनके बारे में? मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का यह सेंटर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को चलाता है और नए नए और भी कोर्सेज इस माध्यम से जुड़ने वाले हैं। इस कोर्सेज से निकले हुए लगभग विद्यार्थी विशिष्ट प्रतिभा के लोग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शायद पता होगा कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के कोर्सेज, मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज और भी बहुत सारे प्रतिभाशाली कोर्सेज इस कोर्स इसके द्वारा चलाए जाते हैं और यहाँ से सभी प्रतिभाशाली छात्र देश में अलग अलग जगहों पर अपना योगदान प्रदान करते हैं। जी सर, तो सर कुछ सालों बाद ये सब हमारे देश के भविष्य बन जाएंगे, तो मैं ये कहना, ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे देश का भविष्य किस तरह से देखते हैं और आने वाले सालों में और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, मैं इसके जवाब में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग देश की और विधाओं की तरह ही ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ विशेष ध्यान दे रहा है। कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय के MOU कमेटी ने एक बहुत ही अच्छे लगभग 100 ऑनलाइन कोर्सेज की ऑलरेडी अप्रूवल दे चुका है। वो कोर्सेज बहुत ही जल्दी इस संस्थान के द्वारा संचालित होंगे और पूरे देश के सभी विद्यार्थियों को इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा, जो अभी तक दिल्ली के लोगों के लिए ही होता था। तो सबसे बड़ा जो फायदा विभिन्न प्रकार के कोर्सेज का, प्रतिभाशाली कोर्सेज, विशिष्ट कोर्सेज की पूरी जानकारी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू सभी विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। यह सुविधा बहुत ही जल्दी इस सेंटर से उपस्थित हो जाएगी। तो सर हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल भारत अग्रसर पथ पर है? ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि हमारा देश हमारे इस संस्थान के थ्रू ही हम लगभग कुछ विशेष यात्राओं की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग एनालिटिक्स के साथ साथ कंप्यूटर की विधाओं के अलावा और विभिन्न प्रकार की तकनीकी जो कम्युनिकेशन के माध्यम से चीज़ों की जा रही है उसमें भी ये विशेष योगदान प्रदान करने जा रहा है ये सेंटर। और हमें उम्मीद है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी इस प्रकार की शिक्षा पूरे देश के लिए बहुत ही लाभदायक। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमें बताने के लिए कि हमारा देश के भविष्य सुरक्षित हाथों में। आपको सर हैप्पी दिवाली एक बार और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती वक्त हमें देने। हम आप सभी को दीपावली की इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देते हैं और सभी छात्रों और जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं उन सभी के लिए अच्छी शुभ दीपावली। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ OSD ऑफ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं श्वेता पाठक, कैमरामैन भूपेन के साथ।